बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों, मैं जब भी इस जगह से गुज़रता हूँ, ये आपको बातू केव रेलवे स्टेशन दिखाया है, आखिरी रेलवे स्टेशन है ये इस साइड का, और यानी ये शुमाली साइड का आखिरी रेलवे स्टेशन है, और यूँ कह लें कि ये एक छोटा सा गांव नुमा इलाका है। यहाँ पे गांव भी साथ साथ मिले हुए हैं एक दूसरे से, गैप थोड़ा सा बीच में आता है, फिर छोटा सा गांव शुरू हो जाता है, लेकिन देखने में शहर ही मालूम होते हैं। तमाम बड़ी बिल्डिंगें, हर सहूलत मौजूद है, लेकिन बड़े शहरों जैसा फिर भी ये शहर नहीं है। नौकरियाँ यहाँ पर नहीं होती, नौकरियों के लिए दूसरे एरियों में जाना पड़ता है, इसलिए इसको गाँव का दर्जा हासिल है। तो दोस्तों, मैं जब भी इधर से गुज़रता हूँ, मेरे दिल में हमेशा खलिश उठती है, चुभन होती है, मुझे परेशानी होती है, मुझे तकलीफ़ होती है कि ये मलेशिया, यहाँ के लोग और यहाँ के सियासतदान मुखलिस थे। उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए जो कुछ उनसे हो सका, उन्होंने वो सब तरीक़ाकार अख्तियार किए, और एक हमारा पाकिस्तान है, इनसे उम्र में कम से कम भी 10 साल बड़ा है, और हमारी बदनसीबी देखें, हमारी आवाम की शौरी समझ, सियासी समझ बूझ देखें कि उन्हें अपने मुंह से कहते हैं, हमें मालूम है चोर हैं, हमें मालूम है लुटेरे हैं, हमें मालूम है हमारे लिए कुछ नहीं किया, फिर भी जब उनसे कहा जाए, पूछा जाए कि वोट किसको देंगे, तो एक ही जवाब होता है, जरदारी की पार्टी वाले कहते हैं जरदारी को, यानी बिलावल भुट्टो को वोट देंगे अगर खड़ा हुआ, यानी पीपी को वोट देंगे, और नून लीग वाले कहते हैं नून लीग को ही वोट देंगे। इस कदर जहालत, इस कदर नासमझी, इस कदर अनपढ़ जहालियत, कुछ समझ में नहीं आता क्यों। इससे उनको नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का, आपके अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद होता है। क्या आप एक अनपढ़ जाहिल चोर उचक्के को जब वोट देकर सीट पर बिठाएंगे, तो वो आपके बच्चों को पढ़ने देगा, नहीं पढ़ने देगा, वो आपके बच्चों को तरक्की करने देगा, नहीं करने देगा। क्यों? इसलिए वो आपको ग़ुलाम बना के रखना चाहता है, वो आपको अपने ही कामों में, अपने ही रोज़ी रोज़गार में उलझा के रखना चाहता है, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। अब 25 तारीख को आप लोगों की किस्मत का फ़ैसला है, आप लोगों ने जिस किसी को भी वोट देना है, मेहरबानी करके बहुत समझ बूझ से अच्छे को वोट दीजिएगा। इधर हम प्रदेश में यकीन जाने हम लोगों को दुख होता है, हम लोगों को अफसोस होता है, हम लोग ज़हनी तौर पे इंतहाई डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं आप लोगों के गलत फ़ैसलों की वजह से। पाकिस्तान के लोग जाने क्यों जानबूझकर ऐसे गलत और नाअहल फ़ैसले करते हैं कि जो मुल्क के सियासी निज़ाम को भी ख़राब करते हैं, जो आवाम को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो आपकी आने वाली नस्लों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह के बेतुक्के और गैर सियासी और जाहलाना फ़ैसलों से तौबा कीजिए। अब सुलझे हुए अच्छे फ़ैसले करने का ज़माना है, 21वीं सदी में आप लोगों ने कदम रखा हुआ है, और सोच 17वीं सदी और 16वीं सदी वाली है। अब आपने आपको ज़िंदा कीजिए, समझ बूझ अपने आप में पैदा कीजिए, और कुएं के मेंढक ना बने। तालीमी लिहाज से कुएं के मेंढक हैं पाकिस्तान वाले, सोच के लिहाज से कुएं के मेंढक हैं पाकिस्तान वाले, और मजहबी लिहाज से कुएं के मेंढक हैं पाकिस्तान वाले। किसी किस्म की कोई मजहबी बात कर लो सवाए गाली गलौज के कुछ नहीं मिलता, कोई तालीम की बात कर लो सवाए गाली गलौज के कोई जवाब नहीं मिलता,
कोई सियासी अच्छी सुलझी भी बात कर लो सिवाय गाली गलौज के कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे कुएं के मेंढक वालों को समझाने के लिए कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए, कौन सी लाठी से उन्हें हांका जाए, कौन सा उनके ऊपर हुक्मरान ला के बिठाया जाए जो उनको समझाए, उनको अच्छा करे। नहीं तो ऐसा ही होगा कि जैसे अल्लाह ताला ने पुराने ज़मानों में नबियों पे नबी भेजे, जब कौमें नहीं समझी तो उनको अज़ाब इलाही दे दिया गया। तो आपके ऊपर भी अल्लाह ना करे कि अल्लाह ही का कोई अज़ाब नाजिल हो जाए ना समझने की वजह से। तो अज़ाब हमेशा अल्लाह की तरफ से नहीं आता, इंसान ख़ुद अपने ऊपर नाजिल करता है। तो अपने ऊपर अब मेहरबानी करके कोई अज़ाब ना नाजिल कीजिएगा, अपने ऊपर रहमतें बरकतें और खुशहाली को आने दीजिएगा, अच्छे लोगों को लाइएगा, अच्छे सुलझे हुए लोगों को। किसी सियासी तंजीम को, सियासी तंजीम के साहब का ऐसे जिसने अपना किरदार दिखा दिया हुआ है कि उसने कुछ नहीं किया, उनको ना वोट दीजिए। आप नए बिल्कुल ऐसे उम्मीदवार को वोट दे दें जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ रहा है, लेकिन इससे पहले उसने कभी इंतखाबात में या अगर हिस्सा लिया भी है तो किसी किस्म की धांधली में शामिल नहीं रहा। तो ऐसे लोगों को आप लोग सिलेक्ट करके वोट दीजिएगा। यही मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, यही मेरी आपसे आज जाना तौर पे जो समझ लें दरख्वास्त है। तो मैं अब वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करेंगे ताकि और ऐसे लोग जो वोट डालेंगे उन तक भी मेरा मैसेज पहुंच जाए। अपना, दोस्तों का, अजीज़ों का, रिश्तेदार का, अड़ोस पड़ोस महल्लेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका नगेबान हो। वालेकुम अस्सलाम।